मेरे परिवारजनों, आम तौर पर सरकारों का रवैया रहता है कि जो आसानी से हासिल हो जाए उस लक्ष्य को पहले प्राप्त करो, लेकिन हमने दूसरी रणनीति पर काम किया। मैं तो ज्ञानियों को कहूंगा इसका अध्ययन करें। आपको याद होगा, आजादी के इतने दशकों के बाद भी 18,000 गांव ऐसे रह गए थे जहां बिजली नहीं पहुंची थी। 18वीं शताब्दी में जीने के लिए, अंधेरे में जीने के लिए मजबूर थे। उन्हें अंधेरे में जीने के लिए छोड़ दिया गया था, क्योंकि वहां बिजली पहुंचाने के लिए कई तरह की मुश्किलों का सामना, कठिन था, मैं मानता हूं, लेकिन कठिन था तभी तो करना होता है। मक्खन पे लकीर तो हर कोई करता है, अरे पत्थर पर भी तो लकीर करनी चाहिए। और मैंने लाल किले से वादा किया था देश को कि मैं 1000 दिन में 18,000 गांवों तक बिजली पहुंचाने का कठिन संकल्प मैंने सार्वजनिक रूप से लिया था। और आज मुझे सर झुका करके कहना है कि ये आपके सेवक ने उस काम को समय पर पूरा कर दिया था। साथियों, हमारे देश में 110 से ज्यादा जिले ऐसे थे जो विकास के हर पैरामीटर पर पिछड़े हुए थे, बहुत पीछे थे। इन जिलों पर पुरानी सरकारों ने थप्पा लगा दिया, ये तो पिछड़े हैं। और पहले की सरकारें बस उसकी पहचान कर ली, ये बेकार है, पिछड़े हैं, आगे कुछ नहीं हो सकता है, और सरकार सोती रही। इन जिलों में शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं दशकों से दयनीय स्थिति में थी। और संयोग देखिए कि इन्हीं पिछड़े जिलों में देश की सबसे ज्यादा मेरे आदिवासी परिवारों की जनसंख्या रहती थी। जब अफसरों को पनिशमेंट पोस्टिंग करनी होती थी तो इन्हीं जिलों में भेज दिया जाता था। थका हुआ, हारा हुआ, नाकाम जो व्यक्ति है उसी को कहते, जाओ यार तुम उधर रहो, तुम्हारा इधर काम नहीं है। अब वो जाके क्या करेगा? इन 110 से ज्यादा जिलों को अपने हाल पर छोड़कर भारत कभी विकसित नहीं हो सकता था। इसलिए वंचितों को वरीयता के सिद्धांत पर चलते हुए हमारी सरकार ने इन जिलों को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, आकांक्षी जिलों के रूप में घोषित किया। हमने इन जिलों में सरकारों को विश्वास में लेकर के सबसे होनहार अफसरों को नियुक्त करने पर जोर दिया। जिन जिलों में हम शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क ऐसे अनेक विषयों पर शून्य से काम शुरू करके सफलता के नए शिखर पर पहुंच रहे हैं, यहां झारखंड में भी ये अपना खूंटी समेत ऐसे कई जिले उस सूची में है। अब आकांक्षी जिला अभियान की सफलता को आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के जरिए इसका विस्तार किया जा रहा है।